आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए बिना फार्मूले के। शुरुआत हम लोग करेंगे, हम लोग पहले एक छोटा सा अमाउंट लेते हैं जैसे 1000 रुपये। 1000 पे 10% का हम लोग अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मिले और 3 साल के लिए मिले तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे आपको लिखना क्या होगा। पहले आप ऐसे सिंपली ऐसे लिख लीजिए 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये लिख लीजिए, जितनी बार जितने साल का निकालना है उतनी लाइनें आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए 10% कैलकुलेट करना है पहले। तो 1000 का 10% होता है 100 रुपये। ये 100 रुपये जितनी भी नीचे लाइनें हैं हर लाइन में हम लिख देंगे, यानी इस 1000 रुपये का 10% मुझे 3 साल तक मिलेगा। उसके बाद इस अमाउंट के कारण हमें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। फिर लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमारा इंटरेस्ट जनरेट होता है उसका भी इंटरेस्ट अगले साल मिलता है। यानी अब जो ये 100 रुपये हमें मिल चुका है, इस 100 रुपये का हमें 10% ब्याज मिलेगा। इस 100 रुपये का 10% ब्याज कितना होगा, 10 रुपये। और ये 10 रुपये कंटिन्यू अगले 2 सालों तक मिलेगा, यानी रिमेनिंग जितनी भी लाइनें हैं सब में हम ये लिख देंगे। तो हम ये 100 रुपये का 10% मिलेगा, 10 रुपये यहाँ पे, और ये नेक्स्ट ईयर मिलेगा। अब इस अमाउंट के कारण भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। फिर आते हैं हम लोग डी डाटा पे। अब ये जिस पैसे के कारण मिल चुका, इसके कारण मिल चुका, लेकिन अभी इसके कारण बचा हुआ। फिर हम देखते हैं कि 100 रुपये के कारण जो मिला वो 10% 10 रुपये यहाँ मिलेगा अगले साल केवल एक बार, और ये 10 रुपये के कारण 10% यानी 1 रुपया मिलेगा यहाँ से। अब यहाँ देखिए हमारी कई चीज़ें एक साथ निकल के सामने आती हैं। पहले तो ये जो टोटल है, ये टोटल है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये होगा सी आई। ये जो है हमारा, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो आया निकल के, ये निकल के आया हमारा कंपाउंड माइनस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यानी अगर हम इस पे प्रैक्टिस कर लें 10% 20% 30% 15%, तो हमारा ये सवाल आसानी से हो जाया करेगा। एक एग्जांपल लेकर करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी आदमी ने 2500 रुपये 10% के रेट से 3 साल के लिए फिक्स किया, तो हमको तीनों डिटेल चाहिए, कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, कितना उसको डिफरेंस आएगा, और कितना उसका क्या होगा। अगर हम लोग ये यहाँ पे देखें तो अगर 10% निकालना है, यहाँ पे हमने ये लिख दिया 10%, 3 सालों तक निकालना है, 3 लाइनें हमने खींच ली, तो 2500 का 10% 250 होता है, 250 रुपये पहले साल, दूसरे साल, और ये तीसरे साल। फिर ये 250 रुपये का 10% हमें फिर मिलेगा, तो यानी ये मिलेगा 25 रुपये 25, और फिर इसके कार्ड कुछ नहीं मिलेगा, इसके कार्ड कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये पैसा भी देगा हमें 1 साल के लिए। तो ये 250 रुपये हमें 25 रुपये देगा, और ये 25 रुपये हमें 2 रुपये 50 पैसे देगा। यानी अगर टोटल की बात करें तो टोटल देखिए, ये जो है हमारा आया क्या सिंपल इंटरेस्ट, ये जो आया हमारा क्या सी आई माइनस एस आई, और ये जो टोटल आया यही आया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम डिटेल में यहाँ लिखना चाहें तो हम डिटेल ऐसे लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब 750 रुपये, कंपाउंड इंटरेस्ट लिखना हो तो 75 ये हुआ, और जो 77.5 यानी ये हो गया 750 प्लस 77.5 यानी 5 5 7 12 2 8 8, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट आया वह हमारा आया 825 रुपये 50 पैसे, सॉरी ये 77 रुपये हुआ, ये थोड़ा सा ये हो गया 25 75, तो 77 रुपये 50 पैसा आपने इसमें जोड़ दिया 5 7 7 12 2 8 8 827 रुपये 50 पैसे, ठीक है। और दोनों का डिफरेंस कंपाउंड माइनस ऐसा ही, तो ये जो आया ये आपके आ गया 77 रुपये 50 पैसे। तो ये हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे।
किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ी और ना ही हमें ये देखने की जरूरत पड़ी कि हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, कुछ भी। अगर हम इसी को अगर ऐसे करते, पहले हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते, तो सिंपल इंटरेस्ट अगर हम इसका पहले निकालते तो कैसे निकालते, देखिए या साइज का टू निकालते, पी आर टी अपॉन 100, यहाँ पे डाटा लिखते, पी लिखते 250, 2500, आर लिखते 10%, टी लिखते 300 अपॉन 100, 20 से ये 20 काटते और ये क्या होगा 25 किया 75 और 10 750, तो ये होता हमारा 750 और यही हमारा 750 यहाँ भी आ गया है। अगर हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालने की कोशिश करते तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 की पावर 10 या 16, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखते, यहाँ पे लिखते 2500 1 + 10/100 × 3, ये 0 से 0 कटता 10 में 10 11/10, तो बराबर क्या होता है 2500 × 11/10 × 11/10 × 11/10। ठीक, अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते तो 1 2 3 0 कट जाता और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और करने के बाद हमारा ये आंसर आता है 1 2 7 1। तो ये जो है प्रोसेस लेंदी है और ये प्रोसेस बहुत ही आसान है, सिर्फ एक दो बार प्रैक्टिस करने की बात है। एक दो बार अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली हमारा ये सवाल हो जाए करेगा। बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।